Welcome to the jungle. अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का मजेदार टीजर रिलीज हो गया है। 24 एक्टर्स मिलकर करेंगे धमाल। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का आज 56वां जन्मदिन है, यानी 56। आम लोगों से लेकर सेलेब तक अक्षय कुमार को जन्मदिन पर सोशल मीडिया के जरिए बधाई दे रहे हैं। वहीं अक्षय कुमार ने भी अपने जन्मदिन के खास मौके पर फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार के बर्थडे के अवसर पर उनकी आगामी फिल्म वेलकम टू द जंगल का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वेलकम थ्री का ऐलान करते हुए अक्षय कुमार ने एक वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा है, खुद और आपको एक बर्थडे गिफ्ट दे दिया है आज। अगर आपको ये तड़का अच्छा लगा तो शुक्रिया कहिए, मैं आपको वेलकम कहूँगा। इसी के साथ वेलकम थ्री की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। मेकर्स वेलकम टू द जंगल के लिए 20 दिसंबर 2024 की डेट फाइनल की है, यानी 20 दिसंबर 2024 को। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल का क्रिसमस अक्षय कुमार ने बुक कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वेलकम थ्री का ऑफिशियल टाइटल वेलकम टू द जंगल रखा गया है। इस मल्टी स्टार मूवी में अक्षय कुमार के अलावा दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर, संजय दत्त, अशरद वारसी, कृष्णा अभिषेक, कीकू सरदार, रवीना टंडन, लारा दत्ता, राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार इस साल दिखाई दे रहे हैं। वहीं लंबे समय बाद रवीना टंडन और अक्षय कुमार की एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। बता दें कि वेलकम थ्री में 19 साल बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन की साथ काम करने वाले हैं। एक वक्त था जब दोनों का अफेयर हुआ करता था और दोनों ने गुपचुप सगाई भी कर ली थी। फिर मोहरा के सेट पर एक्स्ट्रे की बीच में करवाहट आ गई और दोनों ने राहों को अलग कर लिया। मगर वेलकम थ्री में वीडियो में अक्षय और रवीना एक साथ दिख रहे हैं। फिल्म के टीजर वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार के साथ साथ फिल्म के सभी कलाकार आर्मी ड्रेस पहने, हाथों में गन लिए एक साथ कतार में खड़े हैं। वीडियो में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट वेलकम थ्री का टाइटल सॉन्ग एक साथ गुनगुनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीच बीच में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी के बीच नोक झोंक हो रही है, जिस पर रवीना टंडन उन्हें टोकती नजर आ रही है। आपको बता दें कि फिल्म वेलकम के पहले दो पार्ट्स के डायरेक्टर अनीस बज्मी थे। वहीं फिल्म के तीसरे पार्ट का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और वहीं उनके प्रोडक्ट की जिम्मेवारी फिरोज नडीवाल और ज्योतिष देशपांडे संभाल रही हैं। बता दें आपकी वेलकम टू द जंगल में पहली बार 24 एक्ट्रेस कैपेला परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे और ये कैपेला का मतलब बिना किसी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट की कुछ लोगों द्वारा गाना गाया। जियो स्टूडियो और वेस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेजेंट वेलकम टू द जंगल ज्योति देशपांडे और फिरोज नडीवाल द्वारा निर्मित अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।